नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एट दी रेट आर फ्री क्लासेस में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर कंपटीशन, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, सम चतुर्भुज चतुर्भुज तथा बहुभुज के वर्ग के बीच में संबंध को निम्नलिखित निम्न में से कौन सा वन आरेख सबसे बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करता है। तो चलिए बहुत आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो सम चतुर्भुज क्या है, सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंतर्गत आता है और चतुर्भुज बहुभुज के अंतर्गत आता है, इसलिए बन रहे कौन सा बनेगा, बताइए कौन सा बनेगा ए। कैसे, चलिए बताते हैं। सम चतुर्भुज ये हो जाएगा, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक, ये हो जाएगा, इसके अंदर में कौन आएगा, ये हो जाएगा चतुर्भुज, और सबसे बड़ा ऊपर वो बाहर वाला क्या हो जाएगा, बहुभुज। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में क्या होंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। कह रहा है, यदि ए बराबर 2, आर बराबर 5, एस बराबर 7, ओ बराबर 3 और ई बराबर 4 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में से योगफल सबसे अधिक होगा। तो मान रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो चलिए मान रख देंगे। तो देखिए मान कह रहा है, तो सबका मान रखेंगे हम, एस बराबर क्या कह रहा है, 5। चलिए पहला देखते हैं, एस ओ ए आर, ठीक है, एस बराबर हो गया, एस बराबर 7, ओ बराबर 3, ए बराबर, सबको जोड़ देना, योगफल पूछ रहा है, सबको जोड़ देना, ए बराबर 2 और आर बराबर कह रहा है 5, ठीक है। पहला, दूसरा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा हम कह रहा है आर, आर कितना है 5 प्लस ओ कितना है 3 प्लस ए, ए का मान कितना है 2 प्लस एस, एस का मान कितना है 7, ठीक है। तीसरा, तीसरा में कह रहा है ई, ई है 4 प्लस ए कितना है, ए का मान 2 प्लस आर का मान 5 प्लस एस का मान 7, ठीक है, हम जोड़ देंगे अभी 4। चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी बताइएगा, ए, ए का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है बताइएगा, आर, आर का मान 5 प्लस ओ, ओ का मान 3 प्लस एस का मान 7। तो आप लोग तो आंसर बना लिए होंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा किस कौन सा होगा। पहला का मान कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10 और 10 × 7 = 17, ठीक है, 5 × 10 = 17, ठीक है, ग्यारह और 7 = 18, कितना हो गया ये 17। तो देख रहे हैं कि सब में 17 आ रहा है, लेकिन सबसे डिफरेंट कह रहा, सबसे अधिकतम मान ए, सॉरी राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रहने
से दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से बनाइएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे आसान क्या करना है, पहले तो काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप दो दो का डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, या चार का भी कर सकते हैं। चलिए हम चार का कर देते हैं, चलिए चार का करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, इसमें डबल बी है, इसमें भी डबल पी होगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं बी यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, फिर डबल बी होना चाहिए, डबल बी होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या आ रहा है, बी ए बी बी, कौन सा मैच कर रहा है, बी ए बी बी, राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चौथा नंबर, यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना, भाग अंडर रूट का अर्थ जोड़, तथा गुना का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित में से अर्थ क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी का, एमटीएस, सीएचएल्स, सीपीओ, सीजीएल या एसएससी जीडी, तो सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप रेलवे के एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, तो सभी में, आरआरबी का, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कंटिन्यू पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारी फ्री क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी तरह का डाउट होता है तो जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, देखेंगे कह रहा है इस मान को, तो 20 कह रहा है, इसका गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ कह रहा है भाग। ठीक है, भाग है, चलिए कह रहा है फिर 10, इसका अर्थ जोड़ है, चलिए फिर कह रहा है 6, फिर कह रहा है माइनस का अर्थ गुना है, और फिर प्लस का अर्थ माइनस, कैलकुलेट कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 + 24 - 6 = 20, राइट आंसर 20 इज बी, तो बन जाएंगे आपसे। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए प्रश्न के लिए एक अनुक्रमांक दिए जिसमें एक पद लुप्त है, चार दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रमांक को पूरा करे। चलिए बनाएंगे, तो देखिए दिया हुआ है डी, डी के बाद एच, चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं डी एच एल पी टी एक्स, उसके आगे पूछ रहा है, चलिए देखेंगे डी और एच का डिफरेंट कितने का है, +4 का, एच और एल का डिफरेंट +4 का, एल और पी का डिफरेंट +4 का, पी और टी का डिफरेंट +4 का, टी और एक्स का डिफरेंट +4 का, तो सेम आगे भी हम करेंगे, एक्स और +4 करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा बी, ये राइट आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा सातवां नंबर में, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई शब्द के अक्षर को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया
जाए तो वह कौन सा अक्षर ठीक मध्य में आएगा? तो चलिए इसको हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। हो जाएगा ए आएगा पहले, फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ, फिर आएगा आई, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी, फिर आएगा यू, फिर आएगा वी। अब पूछ रहा है उसके मध्य में, तो मध्य में देख रहे हैं इधर से और इधर से, चार है, मध्य में कौन बचा? ओ, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। यदि 4 - 2 = 8 है, ठीक है, फिर 7 - 3 = 22 है, और 6 - 3 = 9 है, तो 9 - 4 = क्या होगा? देखिए कैसे ला रहा है, 4 4 - 2 करेंगे तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको क्यू कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 416 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 8, कितना आ जाएगा 8 आ रहा है, देख रहे हैं। उसी तरह से सभी में हम करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे दूसरा नंबर, इसको भी हम स्क्वायर करेंगे और इसको क्यू करेंगे, कितना आ रहा है 22, ठीक है। फिर देख रहे हैं 6 स्क्वायर - 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो उसी कंडीशन पे आगे भी करेंगे तो आगे कितना करना है, ठीक है, तो 9 स्क्वायर - 4 का क्यू कितना आ जाएगा 17। राइट आंसर सी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े नेक्स्ट देखेंगे। 10वां - 9वां नंबर क्वेश्चन। शब्दकोश के क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएंगे? तो देखेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं क्यू क्यू सब में है, ठीक है, क्यू यू क्यू यू क्यू यू सब में, उसके बाद फिर ए, ए सब में, ए इस सब में नहीं। अब चलिए ये दोनों में पहला कौन आएगा? फिर आर है और डी है, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये दोनों में देखना है, ई इसमें है, ई भी इसमें, उसके बाद ई एन है, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, समझ गए। तो पूछ रहा है शब्दकोश के अनुसार तीसरा कौन आएगा? तीसरा आपको पता हो गया, तीसरा कौन आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू ई बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संघ का दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। वह अब सबसे छोटे मार्ग से अपने मूल स्थान कितने दूरी है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट स्क्रीन कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, इसका जरूर बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आरिफ फ्री क्लास जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नए सेट में। थैंक यू।